Google Pixel 6 Pro ये Google का सबसे नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। हमने Google का Pixel 4a देखा था, फिर उसके बाद Pixel 5 था, और ये Google के सबसे तगड़े स्मार्टफोन्स होते हैं। इसमें सारा मसाला, सारी नई नई चीजें इसमें डाली जाती हैं। और इस बार इस वाले स्मार्टफोन के लिए स्पेशली Google ने अपनी चिप बनाई है, मतलब अपना प्रोसेसर बनाया। वेरी वेरी एक्साइटमेंट थोड़ी है। वैसे डब्बे में जीरो मोटापा, साइड से एकदम स्लिम ट्रिम, मतलब कुछ कुछ मिसिंग हो सकता है। भाई खोल ले जाए, इस साइड गूगल, इस साइड पिक्सल। भाई ये क्या कर दिया, एक सेकंड डब्बे का और चीजें चेक कर लेता। ये फोन के साथ एक OTG अडैप्टर दे रखा है, ये देखो मैं जल्दी दिखाता हूँ। गायब देगा, पता ही नहीं चला ना जादू कहाँ गया, एकदम से गायब हो गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया। भाई देखो हम बहुत सारी केबल्स टेस्ट करते हैं, बट ये वाली कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है यार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इसे स्किपिंग करके दिखा दूं? नहीं नहीं, मुझे पता तुम एक्साइटेड हो। ओ भाई कर तो दी। ओ ब्लू पर्ची, इसमें लिखा है फोन को स्टार्ट कैसे करना है। हम ही लिखेंगे भाई किताबें। ये शायद आप लोगों ना पता हो, ये सिक्का है, एंशिएंट, गूगल वालों ने क्रिएट कर दी करेंसी। मजाक कर रहे थे, ये तो सुई है। सबसे बड़ी चीज भाई, डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। कैमरा बम्प आता था पहले, अब कैमरे की सड़क बना दी है। और तो वीडियो पे हो सकता है काफी डिफरेंस है, यहाँ पे नीचे ग्रे, ऊपर लाइट ग्रे, यहाँ पे ब्लैक, बट हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग, ये काफी कंफर्टेबल फिनिश दे रहा है। ऊपर की साइड में यहाँ मैट फिनिश में प्लास्टिक दे रखा है, और यहाँ पे मेटल है। वाओ, ये 5G के बैंडवेंट डालने की, कुछ कनेक्शन इंप्रूव करने के लिए। बाकी सारी चीजें काफी सिमिलर है। ऊपर की साइड एक पावर बटन है, नीचे की साइड पे वॉल्यूम रॉकर है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी, एक्चुअली ये दो बटन जो है काफी सिमिलर से हैं, तो मैं काफी टाइम मतलब वॉल्यूम बटन को दबाता रहता हूँ फोन को ऑन करने के लिए। इस साइड पूरी प्लेन है, सिम का स्लॉट ओनली वन। कैमरे की साइड अगर पीछे की साइड देखो, ये वाला कैमरे का सेंसर गोल है, ये भी गोल है, बट ये वाला रेक्टेंगल। और ये दोस्तों इसलिए रेक्टेंगल है क्योंकि सब्सक्राइब का बटन भी इधर रेक्टेंगल फॉर्म में आ रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और सब्सक्राइब करना हम कभी भूलना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो है इसमें एंड्रॉइड 12 पड़ा है, और उसकी वजह से एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस है। ये हमारी घड़ी एंड्रॉइड 12 में ऐसी घड़ी दिखती है, और एक सीक्रेट दिखा दो एंड्रॉइड 12। ओ ये, और एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है। खाली ऐसे स्क्रॉल करना नहीं, और भी आप कोई चीज खोलो, जैसे मैं यूट्यूब पे भी स्क्रॉल करूँ, या फिर उसके बाद कोई एप्लीकेशन जैसे कैमरा भी खोल के इसको एग्जिट करूँ, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होती है। जितने एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और एंड्रॉइड 12 में और भी काफी सारे छोटे छोटे एडिशन, जैसे ऊपर क्या ये बार ये पूरा चेंज हो गया, फिर उसका नोटिफिकेशन बार काफी डिफरेंट है। और जो भी आप वॉलपेपर चूज करोगे, समझ लो मैं ऐसे हरियाली वाला अगर चूज करता हूँ, तो भाई मेरे जितने भी आइकन्स हैं, फिर उसके गूगल नाउ का भी जो कलर है, तो उसके बाद ऊपर वाला भी, ये सारे कलर्स हैं, ये सारे ग्रीन कलर के एक्सेंट्स में हो गए, जो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप खाली वॉलपेपर चेंज करो और पूरा ही फोन थीम हो जाता है। और भी छोटी छोटी चीजें, जैसे माइक की एक्सेस आप डिसेबल कर सकते हो, कोई भी ऐप अगर यूज करिए या तो आपको आइकन आता रहेगा, या फिर आप एक्चुअल ब्लॉक करके भी रख सकते हो। स्क्रीन वैसे सही लग रही है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस फ्रंट पे, गोरिल्ला ग्लास 6 बैक साइड पे। ओहो, अब भाई स्क्रीन चेक ही कर रहे हैं। ओहो, जो कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस एकदम फ्लैगशिप लेवल की है। डिस्प्ले इतने तगड़े होते जा रहे हैं यार, आंखों को अपग्रेड करने का टाइम आ गया। बाकी सारी चीजें जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका स्क्रीन के बीच में है, तो काफी कंफर्टेबली आप यूज कर पाते हो। और जितना भी UI है काफी प्लेन है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। IP68 रेटिंग भी है, जो वाइब्रेशन मोटर पे वो भी ग्र ग्र ऐसी मोटी मोटी वाली नहीं, हल्की प्यारी प्यारी, ओहो धीरे धीरे फीलिंग आ रही है। ये वाला वेरिएंट 12GB रैम और 128 और 256GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलता है। बैटरी इसमें 5000mAh है, और एक्चुअली काफी तगड़ी चलती है, बट चार्जिंग ये खाली 30W तक सपोर्ट करता है, कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं। थोड़ा सा और फास्ट 50 तक कर लेते, 50 में मजा आता है यार। बट सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे को दो चीजों को टेस्ट करने में, एक कैमरा और दूसरा परफॉर्मेंस। पिक्सल में भाई नेक्स्ट लेवल कैमरे वाली चीजें होती है, इस बार एक सेंसर का अपग्रेड भी करा गया। भाई ट्राई करना, डेफिनेटली बनता है, लेट्स गो। आज भाई फोटो खींच दूर से वैसे ही आई भाई। वाइड वायर एक्चुअली 0.7x है, ये एक्चुअली इतना ज्यादा वाइड नहीं है, नॉर्मल वाइड है। खींच लेते हैं ये फोटो। ओ 4x में भी क्वालिटी आ रही है। ये राहुल भाई अपना काम करते हैं, माधव देव सोता, एक फोटो खींच रहे हैं 20x में। ये एक्चुअली वाइड था, इसमें जो डिटेल है भाई वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। और ये हमने 20x में खींचे हैं फोटोज भाई, 20x में भी काफी तगड़ी क्लैरिटी है, जो डिटेल है, जो बैलेंस है फोटोज के अंदर वो बहुत ही तगड़ा है। और जैसे मानस की फोटो खींचे ना भाई, इसके क्या टेक्सचर्स हैं आंखों में, बाल के चमक रहे हैं भाई। हम
हमने बाहर भाई 360 वाली फोटो खींची थी और इसमें भी डिटेल भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल। इसमें काफी सारे इफेक्ट्स भी हैं, जैसे नॉर्मल इफेक्ट में खींची थी, फिर इसी को अगर मैं मोशन मोड में कर दूं तो ये खाली भाई हमारी स्कूटी फोकस में है, बाकी सारे ऐसे मूव होता फील हो रहा है। डॉगी भाई भी फ्लैश से ट्रेनिंग लेके आए थे, बट एक्चुअल में आलसी है थोड़े से। हमने हरियाली की फोटो खींची, मेरी फोटो पीछे से भी खींची, मजा सही आ गया भाई। इसमें जो बैकग्राउंड ब्लर है ये एक्चुअल भाई खाली स्मार्टफोन के कैमरे से कोई भी इफेक्ट नहीं यूज करा है। इस वाले रूम के अंदर ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा है और आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट भाई फोटो खींच के देखते हैं। ओ माय गॉड कैसी आई, ऑटोमेटिक मेरे को नाइट मोड का दिखा रहा है भाई। क्या फोटो आई है, आंखों से भी मेरे को कम दिख रहा था। अब हम खींचे पोर्ट्रेट और वो भी अंधेरे में, नेक्स्ट लेवल फोटो है। एजेस देख भाई, एजेस, ओ हो हो भाई, पोर्ट्रेट मोड तो बहुत तगड़ा है। मैं एक्चुअली ब्लर कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, ओ चेहरा भी ब्लर कर सकता हूँ। दोस्तों हम ऐसे फोटोज खींचने की कोशिश कर रहे थे और इसमें कुछ चीजें ऐसे बीच में आ रही, तो हमने सोचा ये लाइक एक टूल को यूज करा जाए। हम जाएंगे मैजिक इरेजर में और यहाँ पे एक्चुअली हमको एज सजेशन दे रहा है अमित जी को रिमूव करने का, बट नहीं भाई तो असली फोटो थी, वही कर देगा क्या? ओ भाई गायब कर दिया। बट मजाक की बात साइड में, अगर मेरे को ऐसे रिमूव करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये ऑटोमेटिकली भाई ये बिफोर आफ्टर पूरा गया भाई। वैसे हम फुल रिस्पेक्ट करते हैं, बट अभी फोटो में सॉरी, हम भी केबीसी पे आने जाते हैं, प्लीज इनवाइट अस। पिक्सल में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अपग्रेड है। ज्यादातर फ्लैगशिप्स में 12 मेगापिक्सल का आता है, बट इसमें एक्चुअल डिटेल फील हो रही है। वाइड एंगल वाला हमारा 11 मेगापिक्सल का है और एक जूम वाला है। फोटोज आप किसी से भी खींचो, किसी भी चीज की खींचो, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल आती है। बट भाई वीडियो भी एक बार बना के देख लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक, आप देख रहे हैं टेक बर्नर और ये मैं कर रहा हूँ व्लॉग एक्चुअल पिक्सल 6 प्रो से। जो एक्चुअल स्टेबिलाईजेशन है, जो कलर्स हैं, जो फेस टोन्स हैं, वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। और मेरे हिसाब से माइक में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करी जा सकती है। और मेरे को एक चीज काफी अच्छी लगी, जैसे अगर आप एडिट वाले सेक्शन में जाओगे, ये खुद तो ऑटोमेटिकली काफी सारे सजेशन देता ही है। जैसे एनहांस आप कर सकते हो डायरेक्टली यहीं से बटन दबा के, डायनेमिक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट करना है, कलर करना है। टूल्स में भी भाई पोर्ट्रेट की आप लाइट चेंज कर सकते हो, कैसे लेफ्ट साइड पे आ रही है, राइट साइड पे आ रही है, उसका ब्लर कर सकते हो, कलर्स आप फोकस चेंज कर सकते हो। और ये सारी चीजें बाकी जितने स्मार्टफोन्स मैंने देखे काफी फेक लगती हैं, बट इसमें बहुत ही ज्यादा रियल लगती हैं, क्योंकि ये एक्चुअल रियल टाइम में सारी चीजें प्रोसेस कर रहा है और वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसका प्रोसेसर गूगल ने खुद बनाया है। और इस वाले स्मार्टफोन में गूगल का पहला प्रोसेसर है, बट प्रोसेसर डाल ही दिया तो उसकी भाई टेस्टिंग भी करनी पड़ी। आज असली है हमारा भाई ये लिया, अल्ट्रा HD अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली चलनी चाहिए थी क्योंकि भाई पिक्सल एक्चुअली एक काफी तगड़ा डिवाइस है, बट HDR पे अल्ट्रा अवेलेबल है और स्मूथ पे हमारा एक्सट्रीम अवेलेबल है, केपेबल है डेफिनेटली है भाई। पीछे से वार, ओ यार पीछे से हमको वार करा गया भाई, हम रेडी नहीं थे यार। ग्राफिक्स ऑन कर देंगे, स्मूथ पे एक्सट्रीम, ओ हो हो भाई मजा ही आ गया। इससे तो हेडशॉट मारना पड़ेगा, टपली पे भाई टपली, ये देखा हवा में निपटा दिया भाई, तीर कमान से मारना थोड़ा मुश्किल है। ओ ये नंबर वन भाई, सब स्मार्टफोन का कमाल है। हल्का गर्म तो हो गया भाई, गाल सेकने लायक गर्म नहीं है बट लाइक वॉर्म है। गूगल ने पहली बार अपना एक प्रोसेसर क्रिएट करा और क्योंकि नया है इसलिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन काफी सारी गेम्स के साथ आपसे आता भी थोड़ा सा कम है, बट एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है मेरे को काफी क्लोज लगी स्नैपड्रैगन 888 के साथ। उसके साथ साथ भाई आप मुंह बोल के सारी चीजें करवा सकते हो फोन के साथ और ये बिल्ट इन है। ये गूगल का ट्रांसलेट वाला ऑप्शन है, इसमें मैं भाई हिंदी में बोल सकता हूँ और देखते हैं भाई कैसा लगता है। क्या हाल चाल भाई, सब बढ़िया? देखा भाई एकदम लाइव मोड में ट्रांसलेट करके देखता है आपको, एक्चुअल एक ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है भाई। फिर से करते हैं, चेन कुली की मैन कुली, जिसने नहीं खाया उसकी पैंट खुली। चेन कुली इज मैन कुली द वन हु डिडंट ईट हिज पैंट कुली। रेया कंफ्यूज कर दिया, वाओ बट एक्चुअल का तगड़ा काम करता है। और भी छोटी छोटी ऑप्शन, जैसे इसमें लिटरली बैटरी शेयर का ऑप्शन है, इसमें अगर मैं ऑन करूं मैं अपना आईफोन इस पिक्सल से चार्ज कर सकता हूं बिना किसी तार के। और खाली ये फीचर्स आप सोचोगे परफॉर्मेंस में ही एड ऑन करेंगे अगर प्रोसेसर अपग्रेड हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको पता नहीं चलता होगा बट जैसे वीडियो की स्टेबिलाईजेशन भी होती है अलग अलग टाइप की भाई स्टैंडर्ड है लाइट मूवमेंट के लिए, उसके बाद एक्टिव है, हैवी मूवमेंट अगर हो रही है, तो ये सारी चीजें इस वाले स्मार्टफोन में ऐड करी गई हैं। गूगल की टेंसर चिप की वजह से काफी सारी नेक्स्ट लेवल चीजें पॉसिबल हो पाई हैं और नेक्स्ट आने वाले टाइम में ये चीजें और ज्यादा तगड़ी होती जाएंगी। जैसे आईफोन में काफी सारे फीचर आते हैं और आपस में काफी अच्छा कनेक्ट बैठा रहता है क्योंकि एप्पल अपना हार्डवेयर भी बनाता है, अपना सॉफ्टवेयर भी बनाता है, ये सेम चीजें गूगल कर पा रहा है। ओवरऑल भाई डेफिनेटली काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, कैमरे में, सॉफ्टवेयर में, परफॉर्मेंस में, फीचर्स हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सरप्राइज करा। ये इंडिया में एक्चुअली भी
लॉन्च हुए हैं हमने यूएस से इंपोर्ट कराया स्पेशली आप लोगों के लिए। और भाई इतना था इस वाली वीडियो की, होपफुली आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।